नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिंगल और यूनिक प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस करंट अफेयर्स शो में 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सिंगल एंड यूनिक प्लेटफॉर्म टीम वेलकम्स यू इन दिस करंट अफेयर्स शो। टुडे इन दिस करंट अफेयर्स शो वी विल डिस्कस द करंट इवेंट्स ऑफ 29th, 30th एंड 31st अक्टूबर 2018। सो लेट्स बिगिन with a beautiful thought, and the thought is, a man is but the product of his thoughts, what he thinks he becomes। अर्थात एक आदमी अपने विचारों का उत्पाद है, जो वह सोचता है वह बन जाता है। Now with this wonderful thought, let's begin with our current affairs quiz, and the very first question is, who has become the Haryana Roadways first woman conductor? And the lady who has become is Sharmila. She is 32 years old and a mother of two handicapped children. She is from Rewari. Now let me give you the basic information about Haryana. Capital of Haryana is Chandigarh. CM is Manohar Lal Khattar. Governor is Satyadev Narayan Arya. Haryana Parivahan ki pehli mahila conductor kaun ban gayi hai? और ये बन गई हैं शर्मिला, जो 32 साल की हैं और रेवाड़ी ज़िले की हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। एंड दिस इज़ द मैप ऑफ हरियाणा विच हैज़ बीन हाईलाइटेड विद अ डार्क रेड कलर इन द मैप ऑफ इंडिया। ये आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र पर हरियाणा का मानचित्र, जो गहरे लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, who has been elected as the new prime minister of Bhutan, and the person who has been elected is Dr. Lotay Shering. Currency of Bhutan is Newlahem and the capital is Thimphu. Bhutan के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं Dr. Lotay Shering। भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ की मुद्रा है Newlahem, and this is the map of world in which you can see a small dark green spot is the country Bhutan। देख सकते हैं आप विश्व के मानचित्र में एक छोटा सा हरे रंग का स्पॉट, जो कि भूटान देश है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हेन विजिलेंस अवेयरनेस वीक विल बी ऑब्जर्व इन इंडिया, एंड इट विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम 29th अक्टूबर टू 3rd नवंबर 2018। And the theme of this will be eradicate corruption, build a new India। भारत में सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाएगा? और ये मनाया जाएगा 29 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2018 के बीच। इसका विषय है भ्रष्टाचार मिटाओ, नया भारत बनाओ। Now question number 4, who has won the presidential election in Brazil, and the person who has won is Jair Bolsonaro। कैपिटल ऑफ ब्राज़ील इज़ ब्रासीलिया, करेंसी इज़ रील। ब्राज़ील में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? ये जीता है जेयर बोलसोनारो ने। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया, यहाँ की मुद्रा है रील। एंड दिस इज़ द मैप ऑफ वर्ल्ड इन विच यू कैन सी द मैप ऑफ ब्राज़ील विच हैज़ बीन हाईलाइटेड विद द डार्क ग्रीन कलर। आप देख सकते हैं विश्व के मानचित्र में ब्राज़ील का मानचित्र, जो गहरे हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है, और यह उत्तरी अमेरिका का एक देश है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेयर हैज़ द 13th इंडिया जापान समिट हेल्ड, एंड इट हैज़ बीन हेल्ड इन टोक्यो। भारत और जापान के बीच 13वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? और ये हुआ है जापान की राजधानी टोक्यो में। नाउ लेट मी गिव यू सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट जापान। करेंसी इज येन, एंड कैपिटल इज सीन इन दिस वीडियो, दैट इज टोक्यो। द PM ऑफ जापान इज शिंजो आबे, एंड इन दिस मैप यू कैन सी द मैप विच हैज़ बीन हाईलाइटेड विद द डार्क ग्रीन कलर इज द मैप ऑफ जापान इन द मैप ऑफ वर्ल्ड। जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ की मुद्रा येन, यहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, और इस मानचित्र में देख सकते हैं आप गहरे हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है जापान देश। नाउ क्वेश्चन नंबर 6,
how much money has been donated by India for peacekeeping initiative at UN, and the money which has been donated is 3 lakh US dollars. General Secretary of UN is Antonio Guterres, and the India's permanent representative to UN is Syed Akbaruddin. Headquarter of UN is in New York. भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पहल के लिए कितने डॉलर का दान दिया है? और ये दिया गया है 3 लाख अमेरिकन डॉलर का. यूएन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस. यहाँ की भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं सैयद अकबरुद्दीन, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ आयरलैंड, एंड द पर्सन हु हैज़ बीन री इलेक्टेड इज माइकल डी हिगिन्स. कैपिटल ऑफ आयरलैंड इज डब्लिन. करेंसी इज यूरो. आयरलैंड के पुनर्निर्वाचित राष्ट्रपति का क्या नाम है? इनका नाम है माइकल डी हिगिन्स. आयरलैंड की राजधानी डब्लिन, और यहाँ की मुद्रा है यूरो. एंड दिस इज द मैप विच इज ऑफ आयरलैंड विच हैज बीन हाईलाइटेड विद द डार्क ग्रीन कलर. ये आप देख सकते हैं विश्व के मानचित्र में आयरलैंड का नक्शा जो गहरे हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ वन द मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2018 इन म्यांमार, एंड इट हैज़ बीन वन बाय क्लारा सोसा. मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2018 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है क्लारा सोसा ने. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वेयर हैज़ गुजरात फर्स्ट मेगा फूड पार्क इनोग्रेटेड, एंड इट हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन सूरत सिटी ऑफ गुजरात. कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर. सी एम इज विजय रूपानी, एंड गवर्नर इज ओम प्रकाश कोहली. गुजरात के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह किया गया है गुजरात के एक शहर सूरत में. गुजरात की राजधानी गांधीनगर है. गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, और यहाँ के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली जी. एंड दिस इज द मैप ऑफ गुजरात विच हैज बीन हाईलाइटेड द रेड कलर. ये आप देख सकते हैं गहरे हरे रंग से प्रदर्शित किया गया गुजरात का मानचित्र. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वेयर हैज़ फिफ्थ नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर बिगिन, एंड इट हैज़ बिगिन इन काजीरंगा असम. कैपिटल ऑफ असम इज दिसपुर. सी एम इज सर्बानंद सोनोवाल. गवर्नर इज जगदीश मुखी. सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 5वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है काजीरंगा असम में. असम की राजधानी दिसपुर. यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल. यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी. एंड दिस इज़ द मैप विच हैज़ बीन हाईलाइटेड विद द डार्क रेड कलर इज मैप ऑफ असम. ये आप देख सकते हैं गहरे लाल रंग से प्रदर्शित किया गया ये है असम का मानचित्र. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वेयर हैज़ द फाउंडेशंस लेड फॉर ड्राई डॉक, एंड द फाउंडेशंस आर लेड इन कोचिन शिपयार्ड इन केरला. कैपिटल ऑफ केरला इज तिरुवनंतपुरम. सी एम इज पिनराई विजयन, एंड द गवर्नर इज पी सदाशिवम. भारत की सबसे बड़ी शुष्क डॉक्स की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है कोचिन शिपयार्ड जो कि केरल में है. केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम. यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, और यहाँ के राज्यपाल हैं पी सदाशिवम. एंड दिस इज द मैप ऑफ केरला विच हैज बीन हाईलाइटेड विद द डार्क रेड कलर. ये केरल का मानचित्र है जो गहरे लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट अंडर वन रूफ ओपन, एंड इट हैज़ बीन ओपन इन द सिटी ऑफ टर्की दैट इज इस्तांबुल. कैपिटल ऑफ टर्की इज अंकारा. करेंसी इज लीरा, एंड द प्रेसिडेंट इज रेसेप तैयब एर्दोगन. दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वन रूफ हवाई अड्डा कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है तुर्की के एक शहर इस्तांबुल में. तुर्की की राजधानी अंकारा. यहाँ की मुद्रा लीरा, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब एर्दोगन. एंड दिस इज द मैप ऑफ टर्की इन द मैप ऑफ वर्ल्ड विच हैज बीन हाईलाइटेड विद द रेड कलर. आप देख सकते हैं विश्व के मानचित्र में तुर्की का मानचित्र जो गहरे लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच फॉर्म हैज़ एक्वायर्ड रेड हैट, and the firm which has acquired Red Hat is IBM, an American firm. It has acquired it in $34 billion.
रेड हैट कंपनी का अधिग्रहण किसने किया है? ये किया गया है अमेरिका की एक कंपनी के द्वारा, IBM, जिसका रेड हैट ने अधिग्रहण किया है $34 बिलियन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अरुणाचल प्रदेश हैज साइंड एन MOU विद होम टू स्ट्रेंथन एजुकेशनल एंड कल्चरल कोऑपरेशन एंड इट हैज साइंड एन MOU विद ब्रिटिश काउंसिल। अरुणाचल प्रदेश ने किस के साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं ब्रिटिश काउंसिल के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, वेयर विल 3-डे इंडिया मोबाइल कांग्रेस बी हेल्ड एंड इट विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। 3 दिवसीय भारत मोबाइल कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? ये की गई है नई दिल्ली में। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच इज इंडियाज फर्स्ट इंजनलेस ट्रेन एंड द नेम ऑफ दिस ट्रेन इज ट्रेन 18। भारत की पहली इंजन मुक्त रेल का क्या नाम है? इसका नाम है ट्रेन 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट सॉवरेन ब्लू बॉन्ड एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेशेल्स। दीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू सपोर्ट सस्टेनेबल मेरीन एंड फिशरीज प्रोजेक्ट्स। नाउ लेट मी गिव यू द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सेशेल्स। करेंसी इज सेशेलोइस रूपी, कैपिटल इज विक्टोरिया एंड द प्रेजिडेंट इज डेनी फोरे। किस देश ने विश्व के पहले सॉवरेन ब्लू बॉन्ड की शुरुआत की है? और ये की गई है सेशेल देश के द्वारा, और ये बॉन्ड है टिकाऊ समुद्री और मत्स्य पालन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, यहाँ की मुद्रा सेशेलोस रूपी और यहाँ के राष्ट्रपति डेनी फोरे। विच द सेशेल्स हैज़ बीन हाईलाइटेड विद द ब्लू कलर इन अ रेक्टेंगल। आप देख सकते हैं विश्व के मानचित्र में या फिर अफ्रीका महाद्वीप में, जिसमें एक आयत के आकार के रूप में आयत में एक देश निहित है जो गहरे हल्के नीले रंग से प्रदर्शित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री विल बी पार्टनर इन 25th DSTCII टेक्नोलॉजी समिट 2019 एंड द कंट्री हु विल पार्टनर दिस इज नीदरलैंड्स। 25वें DSTCII टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन 2019 का भागीदार देश कौन सा होगा? और ये होगा नीदरलैंड। नाउ लेट मी गिव यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट नीदरलैंड्स। करेंसी इज यूरो, कैपिटल इज एम्स्टर्डम एंड द PM इज मार्क रूटे। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, यहाँ की मुद्रा यूरो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे। एंड दिस इज द मैप ऑफ वर्ल्ड इन विच यू कैन सी विद अ डार्क ग्रीन कलर अ स्पॉट कैन बी सीन दैट इज द नीदरलैंड कंट्री। आप देख सकते हैं विश्व के मानचित्र में एक छोटा सा भाग जो गहरे हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है वह है नीदरलैंड देश। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हु विल बी ऑनर्ड विद 2018 ग्लिट्समैन अवार्ड एंड द पर्सन हु विल बी ऑनर्ड इज मलाला यूसुफजई। 2018 के ग्लिट्समैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? और जिसे सम्मानित किया जाएगा उनका नाम है मलाला यूसुफजई। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, When was the National Unity Day celebrated? National Unity Day was celebrated on 31st October. राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 31 अक्टूबर को। Now let's discuss a few questions from the world of sports. खेल की दुनिया से कुछ प्रश्नों को आइए अब डिस्कस करते हैं। The very first question from the world of sports and overall 21st question is, who has become the first recipient of the क्रिस एवर्ट वोमेंस टेनिस एसोसिएशन WTA वर्ल्ड नंबर 1 ट्रॉफी। सिमोना हेलेप हैज़ बिकम द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ दिस ट्रॉफी। किस क्रिस एवर महिला टेनिस एसोसिएशन WTA वर्ल्ड नंबर 1 की ट्रॉफी किसने जीती है? और जीती गई है सिमोना हेलेप के द्वारा, जो विश्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ रॉजर फेडरर्स 99th कैरियर टाइटल वोन बाय हिम रिसेंटली एंड हिज कैरियर्स 99th टाइटल इज बेसिल ओपन। रॉजर फेडरर द्वारा हाल ही में जीता गया उनके करियर का 99वां खिताब कौन सा था?
उनके करियर का 99वां किताब था बेसिल ओपन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय आईहिका मुखर्जी एट अंडर 21 ITTF बेल्जियम ओपन, एंड द मेडल हैज़ विच वॉन इज सिल्वर मेडल। आईहिका मुखर्जी ने अंडर 21 टेबल टेनिस बेल्जियम ओपन में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है रजत पदक। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज़ क्लिंच्ड द गोल्फ पैनासोनिक इंडिया टाइटल? इट हैज़ बीन क्लिंच्ड बाय खलीन जोशी। गोल्फ पैनासोनिक ओपन इंडिया का खिताब किसने जीता है? ये जीता गया है खलीन जोशी के द्वारा, जो एक प्रसिद्ध गोल्फर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द जॉइंट विनर्स ऑफ एशियन मैंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, एंड द टीम्स विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज जॉइंट विनर्स आर इंडिया एंड पाकिस्तान। इट वॉज कंडक्टेड इन मस्कट ओमान। इट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन एंड बोथ द कंट्रीज वर मेड द जॉइंट विनर्स। एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के संयुक्त विजेता कौन घोषित किए गए हैं? ये घोषित किए गए हैं भारत और पाकिस्तान। ये चैम्पियनशिप मस्कट ओमान में आयोजित किया गया और भारी बारिश के कारण यह आखिरी मैच रद्द कर दिया गया और दोनों देशों को संयुक्त विजेता बना दिया। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर करंट अफेयर्स क्विज। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज सिंगल एंड यूनिक प्लेटफॉर्म। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।